सिर एक हट और एक जुनून का नाम है युवराज सिंह। आज युवराज ने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन ये लड़ाका हमारी यादों से कभी संन्यास नहीं ले सकता। आज हर एक भारतीय, हर एक प्रशंसक युवराज को दिल में रखता है। लेकिन युवराज की आज वो बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब युवराज की वजह से धोनी को नहीं मिली थी बैटिंग, आखिर क्या कहानी थी? जरा नजर डालें। युवराज ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को चकनाचूर करते हुए फिर से क्रिकेट में कदम रखा। उनका किस्सा भी खतरनाक रहा। 2011 विश्व कप में वो इसी कैंसर की बीमारी को लेते हुए खेलते रहे, लेकिन हटे नहीं बल्कि भारतीय टीम को विश्व कप जिताकर ही दम लिया। ऐसे में आज वो किस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए जब कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के बीच में कुछ हो गया। कैप्टन कूल माही यानी कि धोनी पर बनी फिल्म MSD में धोनी ने खुद ये राज खोला। फिल्म में धोनी अपने दोस्तों से रणजी ट्रॉफी के एक मैच में युवराज सिंह की बल्लेबाजी का जिक्र करते हुए नजर आए थे। धोनी बताते हैं कि एक मैच के दौरान पंजाब की टीम का स्कोर 60 रन पर पहला विकेट गिर जाता है, जिसके बाद युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं। दूसरे दिन का स्कोर 108 रन पर एक विकेट रहता है। धोनी आगे उस रणजी मैच का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तीसरे दिन पंजाब का सिर्फ एक विकेट ही गिरता है और उनका स्कोर 431 रन पर दो विकेट हो जाता है। युवराज सिंह दोहरा शतक लगाते हैं, कहते हैं बहुत मारा, धागा खोल दिया एकदम। चौथे और आखिरी दिन पंजाब का स्कोर 839 रन, युवराज ने अकेले 358 रन बनाए, हमको सेकंड इनिंग ही नहीं मिला। धोनी बताते हैं कि युवराज ने उस मैच में जितने रन बनाए वो बिहार के टोटल स्कोर से भी एक रन ज्यादा थे। इसके अलावा जब धोनी अपने शुरुआती समय में टीम इंडिया में शामिल हुए थे तो युवराज सिंह ने धोनी को एक बिहारी कहकर बुलाया था। इस पर कैप्टन कूल ने उन्हें शानदार जवाब देते हुए कहा कि तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। हालांकि बाद में धोनी और युवराज की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती परवान चढ़ती गई। लेकिन 2015 विश्व कप में जब युवराज को टीम में नहीं चुना गया तब ये दोस्ती फिर दुश्मनी में बदलती नजर आई। लेकिन आज युवराज ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, ऐसे में इन बातों पर भी अब पर्दा डाल देना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।